नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेटू पॉलिटेक्निक में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप SVT बिहार पोर्टल पर जब रजिस्ट्रेशन किए थे उसका पासवर्ड अगर आप भूल गए हो तो उसे आप कैसे रिसेट करें, फिर कैसे उस पासवर्ड को प्राप्त करें। तो फिर उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं, svtonline.in वेबसाइट में सर्च करनी है, SVT का पोर्टल ओपन कर लेना है आपको। चलिए मैं भी कर लेता हूँ। ये देखिए आपका SVT पोर्टल ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो न्यू यूजर है, यूजर ID पासवर्ड है, साइन इन है, उसके नीचे आप देख सकते हैं, जूम करके मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे फॉरगेट यूजर ID या पासवर्ड लिखा हुआ है, आपको वहाँ पे क्लिक करनी होगी। चलिए वहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे जब आप प्रथम बार रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो मोबाइल नंबर दिए थे उसे आपको डाल देनी है। चलिए मैं भी डाल देता हूँ। और फिर आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर देनी है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो। तो चलिए आप इसे सावधानी से सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे सावधानी से सिलेक्ट करना होगा। चलिए मैं भी सिलेक्ट कर देता हूँ, और चलिए मैं कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, और आप सही सही करें। उसके बाद आपको सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करनी है। तो मैं एक बार पुनः कर चुका हूँ इसलिए मैं सबमिट पर नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा फिर से पासवर्ड नया बन के ईमेल ID पर मैसेज भेजा जाएगा। तो वो जो मैसेज आया है आप यहाँ पे करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर नहीं बल्कि ईमेल आईडी पे मैसेज आएगी, और वो कैसा मैसेज होगा जो मैंने किया है उसे वह मैसेज मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप सभी, ये SVT बिहार की तरफ से ईमेल जो आप रजिस्ट्रेशन के वक्त ईमेल आईडी दिए थे वही ईमेल पर आपके मैसेज आए हैं। आप देख सकते हैं कि You had requested for reset your password. Your login credentials are इतना, और यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पे दिया हुआ है जिसे मैं अभी आपको शो नहीं कर सकता, लेकिन आपको मैंने सारा प्रोसेस बता दिया है कि आपको मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपको फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके डालनी है, और आपके ईमेल आईडी पर आपका नया पासवर्ड भेज दिया जाएगा। और अब आप पुनः इन पासवर्डों को आप यहां पे आए और अपना यूजर आईडी डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। यूजर आईडी और पासवर्ड आपको पता चल चुकी है, अब आप यहां पे आ करके पुनः SVT बिहार में और लॉगिन कर लेते हैं। चलिए मैं भी आपको साइन इन करके दिखा देता हूं। ये देख सकते हैं पासवर्ड डालने के बाद अब आपका खुल चुका है, आपका यूजर आईडी खुल चुका है। अब आप यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म हो चाहे जब एडमिट कार्ड हो तो वो आप सेलेक्ट करके आप अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, यह एक आसान तरीका था, लेकिन फिर भी जो नए बच्चे होते हैं उन्हें हो सकता है कि दिक्कत हो, इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया है। वीडियो अगर पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी होगी, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।